प्रदेश में विधानसभा चुनावों के दृष्टिगत भाजपा द्वारा शिमला शहरी हल्के में संजौली क्षेत्र के तहत दूसरा पार्टी कार्यालय खोल दिया गया है। इससे पहले शिमला स्थित मॉल रोड पर पार्टी का मुख्य कार्यालय खोला गया था। वहीं भाजपा शिमला शहरी हल्के से एक और कार्यालय सब्जी मंडी में खोलने जा रही है। कुल मिलाकर भाजपा शिमला शहरी हल्के से जीत को सुनिश्चित करने के तहत कदम आगे बढ़ाती जा रही है। वहीं संजौली क्षेत्र में भाजपा के पार्टी कार्यालय का उद्घाटन भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने किया। वहीं इस दौरान भाजपा से शिमला शहरी प्रत्याशी संजय सूद व भाजपा के समर्थित कार्यकर्ता नेता काफी तादाद में शामिल हुए। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि भाजपा में एकजुटता है, जबकि कांग्रेस में खींचतान लगातार बरकरार है। वहीं पार्टी की एकजुटता व प्रदेश में हुए विकास कार्यों के तहत प्रदेश में फिर से भाजपा वर्चस्व के साथ अपनी जीत दर्ज करेगी। आज हमारा शिमला शहरी का ये दूसरा कार्यालय, क्योंकि मेन हमारा जो कार्यालय है मॉल रोड के ऊपर खोला गया है और दूसरा कार्यालय यहाँ पर खुला, ताकि पार्टी के काम का हम अच्छे से जो है उसको उसका आवंटन कर सकें और सभी लोगों को हम साथ लेकर चल सकें। कार्यालय के बाद अभी यहाँ पर व्यवस्था होगी कि परमानेंट हमारा एक व्यक्ति यहाँ पर बैठेगा और जितना भी चाहे सामग्री की बात है, व्यवस्थाओं की दृष्टि से जो भी आवश्यक है उस दृष्टि से ये कार्यालय हमारा कार्य करेगा। इसके अलावा भी हम सब्जी मंडी में भी एक छोटा कार्यालय हमने खोला है और एक कार्यालय और हम इस विधानसभा क्षेत्र में खोलेंगे। कुल मिलाकर हमारे चार कार्यालय, जहां एक मेन कार्यालय होगा और तीन छोटे कार्यालय अन्य। निश्चित रूप से इस बार भारतीय जनता पार्टी इस सीट को फिर से जीतने जा रही है, क्योंकि माननीय सुरेश भारद्वाज जी हमारे यहां से विधायक रहे हैं, अभी मंत्री हैं और इस बार दूसरे विधानसभा क्षेत्र से लड़ रहे हैं। यहां संजय सूद जी हमारे प्रत्याशी हैं और संजय सूद जी को पूरा आशीर्वाद आदरणीय भारद्वाज जी का भी है और सभी लोग मिलकर इस चुनाव में जो है इनकी जीत को सुनिश्चित करेंगे और फिर कमल का फूल लगातार यहां जो भारद्वाज जी के समय से खिलता रहा है, अब संजय सूद जी यहां पर कमल खिलाएंगे और कसुमटी में भारद्वाज जी कमल का फूल खिलाएंगे और फिर से हम भाजपा की सरकार को हिमाचल प्रदेश में विराजमान करेंगे। आज जिस प्रकार से माहौल पूरे प्रदेश भर में बना है और दूर दूर तक कांग्रेस पार्टी का जो हम देख रहे हैं, जो हाल उनका आज हुआ है पूरे प्रदेश भर में और जिस प्रकार की खींचतान आज कांग्रेस पार्टी में चली है और भाजपा एकजुटता के साथ आगे बढ़ रही, तो हम जो है फिर से जीत का परचम लहराएंगे और भाजपा की सरकार को विराजमान करेंगे।